वेलकम बैक टू माय चैनल इजी लाइफ विद शिखा। तो आज मैं आपकी एक और मुश्किल को आसान करने के लिए लाई हूं बिल्कुल नया वीडियो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब भी हम नॉर्मल तरीके से अपनी साड़ियों को फोल्ड करके वार्डरोब में अरेंज करते हैं तो एक साड़ी निकालते टाइम ऊपर की और भी साड़ियाँ गिर जाती हैं, ये देखिए इस तरह से, और हमको अलमारी फिर से जमाना पड़ती है, बहुत परेशानी हो जाती है। जैसा कि मेरे चैनल का नाम है इजी लाइफ विद शिखा, तो मैं आपके लिए लाती रहती हूँ बहुत ही इजी इजी सी टेक्निक्स। तो सबसे पहले तो हम वार्डरोब में से सारी साड़ियों को निकाल लेते हैं। जो तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ उससे कम जगह में काफ़ी सारी साड़ियाँ हम अरेंज करके रख सकते हैं और साड़ियाँ निकालने और रखने में भी मुश्किल ज़्यादा नहीं होगी। तो ये देखिए सारी साड़ियाँ मैंने निकाल ली हैं। तो साड़ियों को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे कि हमको इनको रखने और निकालने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो जैसे हम साड़ी को नॉर्मली फोल्ड करते हैं वैसे मैंने फोल्ड कर लिया है, और ये बॉर्डर वाली साड़ी है इसलिए एक बॉर्डर को मैंने थोड़ा सा पीछे कर लिया है, ये देखिए, और इसके ऊपर रख दिया है ब्लाउज़, और इस तरह से हम साड़ी को फोल्ड कर लेंगे। तो इसी तरह से हमको सारी साड़ियों को फोल्ड करना है। इससे एक फ़ायदा ये होता है कि ब्लाउज़ जो होता है वो साड़ी के अंदर ही रहता है, तो हमको अलग से ब्लाउज़ ढूंढना नहीं पड़ता है। अब मैं आपको ये साड़ी फोल्ड करके दिखा रही हूँ, बंदेज की साड़ी है ये, जॉर्जेट। तो इसकी थोड़ी सी तह बिगड़ गई है, तो मैं इसको एक बार फिर से घड़ी कर लेती हूँ अच्छे से। और अच्छे से फोल्ड करने के बाद इसको मैंने वैसे ही फोल्ड कर लिया है जैसे पहली वाली साड़ी को किया था, और बस इसके ऊपर मैं ब्लाउज़ को रख के और इसको भी फोल्ड कर दूंगी। ब्लाउज़ को आप चाहें तो आड़े में या खड़े में भी जमा कर रख सकते हैं। और अब मैं आपको एक चौड़े बॉर्डर वाली साड़ी फोल्ड करके दिखा रही हूँ। तो ये देखिए काफ़ी चौड़ा और थोड़ा कड़क टाइप का बॉर्डर है, ये फोल्ड नहीं होता है। तो इस साड़ी को हम फोल्ड नहीं करेंगे डबल, बल्कि इसको सिंगल फोल्ड पर ही रखेंगे। ये देखिए मैंने साड़ी को डबल नहीं किया है, और अब मैं इसके ऊपर रख रही हूँ इसका ब्लाउज़, और बस इसको भी हम वैसे ही फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए थोड़ा सा बड़ा फोल्ड होगा इसका, लेकिन इससे आपकी साड़ी की जो क्रीज है वो भी नहीं बिगड़ेगी और साड़ी बहुत अच्छे से अलमारी में अरेंज हो जाएगी। तो ये देखिए मैंने सारी साड़ियाँ इस तरह से फोल्ड कर ली हैं, और अब मैं इनको जा रही हूँ अलमारी में अरेंज करने के लिए। तो कुछ साड़ियाँ ऐसी थी जो मुझे लग रहा था कि फ़ोल्ड करने में ठीक नहीं रहेगा, बहुत ज़्यादा सिल्की थी, या फिर इनको हैंगर में टांगना ही बेस्ट रहेगा, तो इसलिए मैंने कुछ साड़ियाँ इस तरह से हैंगर में अरेंज कर दी हैं। और अब मैं इस तरह से फोल्ड की हुई साड़ियों को वार्डरोब में लगा रही हूँ। तो इस तरह से पूरी एक लाइन से लगा दें। और अब सेकंड लेयर के लिए हमको ये करना है कि जो दो साड़ियों के बीच की जगह है उनके ऊपर एक एक साड़ी को लगाना है इस तरह से, और फिर इनके बीच में जो जगह बचती जाएगी उस पर हम अगली वाली लेयर लगा देंगे साड़ियों की। तो इस तरह से हमको साड़ियाँ अरेंज करते जाना है। तो ऐसे आप सारी साड़ियाँ अरेंज कर लीजिए। तो देखिए इस तरह से मैंने सारी साड़ियाँ जमा ली हैं, सारी साड़ियाँ मेरी आ गई हैं सलमारी के अंदर। और अब मैं आपको एक साड़ी निकाल कर दिखाती हूँ कि निकालना कितना ईजी होता है इस तरह से जमाने के बाद। तो ये देखिए थोड़ा सा हमने स्पेस किया और इस तरह से एक साड़ी पकड़ के इजीली खींच ली। तो देखिए कितने बढ़िया तरीके से हमारी साड़ी निकल के आ गई है। एक और मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ जिसमें कोई डाउट ना रहे। ये देखिए ये सिंथेटिक साड़ी है और मैं आपको निकाल के दिखा रही हूँ कितनी इजीली निकल गई। तो फ्रेंड्स अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं इसी तरह के यूजफुल और हमारे ट्रेडिशनल से जुड़े वीडियोस लेकर आती रहती हूँ इस चैनल पर, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय एंड टेक केयर। और एक चीज रह गई थी तो आप खुद ही देख लीजिए। तो अभी मैं आपको साड़ी इसमें लगाकर भी दिखा देती हूँ वापस से। तो एक तो मैंने लगा दी है, एक और मैं आपको लगाकर दिखा देती हूँ।
है तो इस तरह से वापस लगा भी सकते हैं।